कलाई पर मौली या कलावा बांधने के हैं धार्मे के साथ वैज्ञानिक कारण। मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। इसके पीछे वजह है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के साथ विराजमान होने पर इनको चंद्रमौली भी कहा जाता है। सनातन धर्म में हर शुभ अवसर पर पूजा के दौरान हाथ में मौली बांधने की धार्मिक परंपरा है। इस कच्चे सूत से तैयार धागे को कलावा या रक्षा सूत्र नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हाथ में मौली बांधने से त्रिदेव और तीनों महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इसे रक्षा सूत्र के रूप में भी माना जाता है, जिस वजह से कलाई पर बांधने से जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। शास्त्रों के अनुसार कलावा अर्थात मौली बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। इसे बांधने से महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, महासरस्वती की कृपा से विद्या बुद्धि और महाकाली की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों की कृपा भी मिलती है। मौली का धागा हमेशा कच्चे सूत से तैयार किया जाता है, जिसमें लाल, काला, पीला, सफेद या नारंगी आदि में रंग शामिल है, जिसे लोग हाथ, गले, बाजू, कमर आदि पर बांधते हैं। मौली बांधते वक्त मौली मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे इस साधारण से दिखने वाले सूत के धागे में मंत्री की शक्ति शामिल होती है। मौली मंत्र यहन बधोबली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध नामे रक्षे माचल माचल। मौली बांधने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, वैज्ञानिक में भी मौली बांधने के कई फायदे भी हैं। जीव विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। अगर हाथ में कलावा बांधा जाए तो इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है, जिससे शरीर में वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। विज्ञान का मानना है कि मौली बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने के कुछ नियम हैं, जिनके अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बंधवाते वक्त कद मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मौली बाएं हाथ में बंधवानी चाहिए।